नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बात इस वक्त बिहार की राजनीति की। नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। शाम 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि चौथी बार नीतीश कुमार बनेंगे मंत्री। लेकिन यहां सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस भी नीतीश कुमार के साथ सरकार में शामिल होगी। संभावित मंत्रियों में रमई राम का नाम भी शामिल है, जिन्हें उम्मीद है कि इस बार नीतीश उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, यानी कि उप मुख्यमंत्री पद की मांग यहाँ पर रमई राम की तरफ से हो रही है। और ऐसा माना भी जा रहा था पहले से कि इससे कम पर वो नहीं मानेंगे। बिहार में कई समाजवादी सरकारों में मंत्री के रूप में शामिल रहे हैं रमई राम, और उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो नीतीश मंत्रिमंडल में शपथ नहीं लेंगे। मांझी की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश के लिए रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन रमई राम के इस ऐलान ने जेडीयू के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। तो उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है। रमई ने पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में कहा था कि नीतीश अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने रमई राम से बातचीत की है। नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और चौथी बार जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो इस वक्त जो उनके साथ कुछ लोग खड़े थे नीतीश कैंप में, जो बताया जा रहा था उसमें रमई राम भी एक थे, पूर्व मंत्री, और चट्टानी एकता के साथ उनके साथ बने रहे। और उम्मीद यही है कि इस बार फिर से उन्हें भी मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी जब नीतीश कुमार के साथ। रमई राम जी, इस बार आपको उम्मीद है क्योंकि उप मुख्यमंत्री का जो है पद इस बार आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत दिन से आप इसकी मांग कर रहे हैं? हमको उम्मीद है कि हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार सम्मान देंगे और बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उप मुख्यमंत्री। आपकी बहुत दिनों से ऐसी डिमांड भी रही है, और खासकर जीतनराम मांझी जब से बाहर हो गए हैं तो जाहिर सी बात है महादलित वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसकने का डर है, इसलिए आपको लगता है कि इस बार आपको तरजीह मिलनी चाहिए? देखिए, सब समय के तकाजा आता है, आज जो समय पर अपने का काम नहीं करता वह नुकसान में जाता है। समय जो पुकार करती है उस काम को करना पड़ता है। तो समय की मांग है, मेरी मांग नहीं है, यहाँ के बिहारवासियों का मांग है, इसलिए काम होना हमको निश्चित प्रतीत होता है। रमई राम को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, वही तो बोल रहे हैं उप मुख्यमंत्री, हम उनसे स्वयं कह चुके हैं। अच्छा, एक बात और आ रही है, क्या आरजेडी को आपको लगता है कैबिनेट में शामिल करना चाहिए? अभी तक तो बाहर से समर्थन मिल रहा था उनका। करना चाहिए, हमारे माननीय नेता लोग बात करके इसको हल करेंगे। अभी हमारे आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव की पुत्री की सुविवाह है, उसमें व्यस्त है, उसके बाद तय होगा। तो ये थे रमई राम जी। जाहिर सी बात है बहुत दिनों से इनकी मांग रही है कि उप मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। अब खासकर जब जीतन राम मांझी, जो कि एक महादलित चेहरा थे नीतीश कैंप में, वो अब बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रमई राम को इस बार मौका जरूर मिलेगा और नीतीश कुमार उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये बात उन्होंने नीतीश कुमार से कह भी दी है डिमांड के रूप में। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।